नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ सत्यन शर्मा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर पिछले दो दिनों की तुलना में आज और ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है दिल्ली की आबो हवा बुधवार को भी जहरीली है हवा की गुणवत्ता में सुधार की अभी कोई संभावना नहीं है न तो हवा चलने की संभावना है न ही तापमान में और अधिक गिरावट थमने की उम्मीद है प्रदूषण के कारण दिल्ली के लोगों की सेहत खतरे में है वहीं आज कोहरे का असर भी देखने को मिला बुधवार को सुबह के समय रोहिड़ी, पूर्ड खुर्द मदर डेयरी सहित कई इलाकों में एक ही वाई पाँच सौ के करीब पहुंच गया है राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार शाम चार बजे तीन सौ संतानवे दर्ज किया गया जो सोमवार को तीन और रविवार को दो रहा था दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार सुबह के समय एक ही वाई 400 के पार था और सबसे अधिक ए क्यू आई पूर्ण खुर्द में चार रहा मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह छः बजे रोहिणी सेक्टर 10 में एक यूवाई चार रोहिणी सेक्टर 5 में चार प्रशांत बिहार में चार आनंद बिहार में चार मंदिर इकहत्तर में चार सौ कॉलोनी में चार न्यू तिरसठ नगर में 460 सौ साठ में 446, नरेला में 445 पुर्ड खुर्द में चार सौ चौरानवे मदर डेरी में चार सौ तिरानवे डी आई टी में चार सौ अठहत्तर आई टी आई जहांगीरपुरी में चार सौ अठहत्तर पंजाबी बाग में चार सौ छिहत्तर दीपाली और बवाना में चार सौ सत्तावन अलीपुर में चार सौ चौवन आई पी में चार सौ बावन मुंडका में जी में चार सौ अंठावन में चार सौ बयालीस कालका जी में चार सौ अड़तीस साकेत में चार सौ नौ मयूर बिहार में चार सौ अट्ठाईस कनाट पैलेस में चार सौ उन्नीस और के पुड़ी में चार सौ आठ दर्ज किया गया आपको बता दें कि दिल्ली के पहले हुई झमाझम जम बारिश की वजह से ए क्यू आई में काफ़ी सुधार देखने को मिला का मिला था जिसमें ए क्यू आई सुकना की अगर बात की जाए तो 200 के करीब पहुंच गया था लेकिन दिवाली के बाद हुए पटाखे की बमबारी के बाद से इसके स्तर में एकाएक वृद्धि एक देखने को मिली और दिल्ली एन की जो हवा है और ज्यादा प्रदूषित हो गई है अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह कितना बढ़ता है या कम होता है देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर धन्यवाद